We respect your decision of upgrading. World is transforming fast and everything around us is changing. But learning. Why choose the outdated way? Switch to Texila American University and put your career's fast growth lane. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कनेक्ट टू द पीपल प्रोग्राम के तहत शाहबाद के कलसनी गांव में लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी के सभी सिफारिशों को पूरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा पेट्रोल का वैट तो बाद में कम करे, लेकिन जो घोषणा करता है वो पूरा तो करे। हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा के किसानों की ओर से, अपनी ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बहुत हमारी लंबी एक पेंडिंग जो डिमांड थी किसानों की और एक हमारी योजना भी थी, उसमें उस योजना के आधार के ऊपर अपना किया हुआ वायदा के लागत मूल्य से 1.5 गुना MSP होगा, तो जो खरीफ की 17-14 फसलें हैं उनके ऊपर यह कल घोषणा हुई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूं। किसान खुशहाल होगा तो पूरा प्रदेश भी खुशहाल होगा, देश भी खुशहाल होगा। इसलिए हमारी आर्थिक जो एक सिस्टम है उसमें एक बूस्ट मिलेगा। हरियाणा के किसान को लगभग 1400 करोड़ रुपया वार्षिक इससे लाभ होगा, ऐसी एक जानकारी है। जो वैट है वो बिल्कुल आधा कर देंगे। जो घोषणाएं करें वो करें, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घोषणाएं करें उसको पूरा कोई करेगा उस समय ध्यान में आएगा। हमने जितनी अपनी घोषणाएं की हैं उनको सबको पूरा किया, सब कुछ लगा लिया गया है। लागत में ब्याज भी लगाया है, लागत में डेप्रिसिएशन भी लगाई है, लागत में मानव श्रम भी लगाया है, लागत में बीज है, लागत में उसका डीजल है, उसकी पावर है, उसका जो भी कुछ लागत के अंदर खर्च आने वाला है सारा खर्च जोड़ करके, क्योंकि ये सरकार नहीं जोड़ती है, इसके अंदर एक्सपर्ट होते हैं वो सब जोड़ते हैं। एक एक चीज जोड़ने के बाद उसके बाद इसके ऊपर जो लागत आई है उसका 50% दिया गया, और केवल 50 नहीं, बाजरे जैसी फसल में तो 96% वृद्धि यानी लाभांश ये तय हुआ है। इसलिए चाहे मूंग हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, जीरी हो, इन सब 14 फसलों के ऊपर कल रेट तय किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र से संजीव कुमार के साथ शिव चरण तंवर की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।